उत्तराखंड में 1 फरवरी से सत्ता की कमान नए मुख्यमंत्री के हाथ में हो सकती है। खबरों के मुताबिक आज विजय बहुगुना राज्यपाल अजीज कुरैशी को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। इस बीच दो खेमों में बटी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और निराशा दोनों ही देखने को मिल रही है। ये कयासों का बाजार जो आपने कहा, ये गरम है, तो निश्चित तौर पर देखिए, ये हर आदमी स्वतंत्र है अपनी दावेदारी करने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए, लेकिन अभी ऐसी कोई परिवर्तन जैसी बात नहीं हुई। अगर परिवर्तन जैसी कोई बात होगी, अगर हमारा हाईकमान इस तरीके का कोई फैसला लेगा जो अभी तक कहीं पिक्चर में नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो है उसे उस प्रकार से देखा जाएगा। मैं तो उनका कार्यकाल बहुत अच्छा मानता हूँ, और ख़ास तौर पर इतनी भयंकर आपदा में, जो विश्व की सबसे बड़ी आपदा थी, उसमें उन्होंने जिस तरह से धैर्यपूर्वक उसका नेतृत्व किया, राज्य का और सरकार का नेतृत्व किया, वो प्रशंसनीय था। खबरों की माने तो ताजपोशी की औपचारिकता के लिए 1 फरवरी को कांग्रेस की एक केंद्रीय टीम देहरादून पहुंचेगी, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक गुलाम नबी आजाद, जनार्दन द्विवेदी और राज्य की कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी होंगे। सूत्रों के मुताबिक विजय बहुगुना ही रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं बदलाव की खबर आई तो कांग्रेस नेता भी आलाकमान के हुक्म को मानने की बात करने लगे हैं। जो भी हाईकमान करेगा वो हमें मान्य होगा। हम कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं, संगठन में काफी विकसित प्रस्तुत है। जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा, उसके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। इस बीच बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस चेहरा बदलकर केदारनाथ आपदा के दौरान लगे दागों को मिटा नहीं सकती। जब नरेंद्र मोदी जी भी आए थे यहाँ, इतना अच्छा उनका प्रोग्राम हुआ और सब उनके साथ हैं, तो इसीलिए भी चेहरा, कोई नया सीएम लाना चाहते हैं ताकि शायद जो आने वाले इलेक्शन में कोई चेंज हो और उन लोगों का कांग्रेस का सीट आगे हो जाए। शायद ये कारण भी हो सकता है कि वो सीएम अभी का प्रेजेंट सीएम साहब को चेंज करना चाहते, यही डर के वजह से भी हो सकता है। विजय बहुगुना को हटाए जाने को लेकर उनके समर्थक नाराज हैं। हालांकि खबर यह भी है कि आलाकमान संतुलन साधने के लिए उत्तराखंड से केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी नेता को जगह देने या संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी दे सकता है। राजेश वर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, देहरादून।